हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेस अहमदाबाद। भाई ये घर पर है और अभी हम जा रहे हैं घूमने थोल लेक, जो कि यहाँ से है 32 या 40 किलोमीटर दूर है। एक घंटा लगेगा पहुँचने में, पर आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है और काफ़ी सुंदर व्यूज़ हैं वहाँ पे और काफ़ी सुंदर बर्ड्स हैं वहाँ पे। बट आई फॉरगॉट टू टेक माई जूम लेंस, मैं कोटा से लाना भूल गया। तो अब बर्ड्स को देखना है और जूम लेंस नहीं हो तो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, पर अब चलते हैं। हमारा प्लान था जल्दी निकलने का पर लेट हो गए। अभी 7:30 हो रहे हैं और हल्की हल्की ठंड है यहाँ पे। मतलब जो ठंड कोटा में थी ना वो तो नहीं है। कोटा में क्या हो रहा है, दो तीन दिन से इतनी ठंड हो रही है, हाथ गलते हैं वहाँ पे। मतलब धूप आती तो भी हाथ गलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कल अहमदाबाद में इतनी सारी पतंग उड़ी है ना, आपको जगह जगह पे ये मंजे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग संक्रांत के बाद एक दो दिन टू व्हीलर अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे चांसेस हैं आपको लगने के। तो हमने भी सोचा था पहले अवॉइड करेंगे, बट कोई बात नहीं। चलिए फिर आपको लेके चलते हैं थोल लेक। सो फाइनली वी आर एट थोल बर्ड सेंचुरी एंड थोल लेक। यहाँ नोटिस वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ टिकट्स चेक पॉइंट है, यहाँ पे लोग साइकिल वगैरह भी लेके आते हैं। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, थोड़ा रास्ता भूल गए थे पर फिर पूछकर पहुंच गए। आइडिया नहीं था कि मैं बर्ड सेंचुरी विजिट करूंगा, तो पक्का लेके आता।
फ्रेंड्स के बर्ड सेंचुरी विजिट करना ही था, इज अ वेस्ट। आई पर्सनली लाइक दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ नेचर, यहाँ पे आपको लैंडस्केप बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत ही वास्ट लैंडस्केप्स। नाउ वी आर एट द राइट साइड ऑफ द बर्ड सेंचुरी, मतलब पार्किंग के पहले लेफ्ट साइड गए थे, अब राइट साइड आ गए। ये बर्ड सेंचुरी में भैंस क्या कर रही है, यहाँ पार्किंग है, उसके बाद मतलब तुम अपनी पार्क तो सॉरी तुम अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हो, बाइक वगैरह, उसके बाद यू गोइंग टू सी द गुड एंड द बेस्ट व्यूज। इन द इवनिंग और वहां से आने के बाद मैं सो गया था क्योंकि बहुत दूर गए थे, थक गए थे। लुक दिस मच बिग, तो अब इसको ऊपर लेके चलेंगे और इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे फट रही है पर बोल रहे हैं उड़ जाएगी, बट लुक कितनी बड़ी पतंग है ये। इफ यू आर इन अहमदाबाद तो तुम्हें पतंग तो बहुत वैरायटी की और बहुत बड़ी बड़ी मिलने वाली है। दिस इज अहमदाबाद। पतंग उड़ाई और वो पतंग अपने आप आई थी, उड़ा दी उसको और फिर टूट गई बीच में से। वो फिर एक और उड़ाई, उससे एक पेच लड़ाए और एक काट दी, अब फिर दूसरी उड़ाने की तैयारी है। वो पतंग नीचे लेने गया है, बड़ी वाली पतंग, उसको लास्ट में उड़ाएंगे। इससे एक और है हमारे पास, दिस वन, ये भी उड़ाएंगे। दिस इज काइट फेस्टिवल उत्तरायण एट अहमदाबाद। कट गई भाई, इसके चक्कर में कट गई, इस बार इस बंदे के चक्कर में। यहाँ बहुत सारी पतंग कट कट के आती है, किसी की भी पकड़ लो बीच में उड़ाओ। सही सीन है यहाँ पे। भैया अरे उड़ा रहे हो, गिन्ने मारनी पड़ेगी। That's it for a day. आज भी हमने पतंग उड़ाई, कल भी उड़ाई थी, आज ज़्यादा मज़ा आया, कल भी ज़्यादा मज़ा आया था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कॉमेंट कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कॉमेंट कर देना। बाकी ऐश करो, मौज काटो एंड कीप ट्रैवलिंग।